बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बने हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। इस बीच इस इंडस्ट्री ने कई बेहतरीन फिल्में बनाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया है और कई सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। लेकिन फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अभी भी बॉलीवुड की झोली से बहुत दूर है। लेकिन शायद अब बॉलीवुड के पास एक ऐसा डायरेक्टर है जो बॉलीवुड को ऑस्कर तक ले जा सकता है। इस करिश्माई डायरेक्टर का नाम है द ग्रेट राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी ने हमेशा से ही अपने उम्दा डायरेक्शन से दर्शकों के दिलों को जीता है और उनकी आने वाली फिल्म डंकी से भी दर्शकों को बहुत उम्मीदें हैं। खैर, डंकी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम बॉलीवुड की कुछ उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो ऑस्कर डिजर्व तो करती थी लेकिन ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान मूवीज पॉइंट पर। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है सन 2003 में रिलीज हुई बेहतरीन मूवी मुन्ना भाई MBBS का, जिसका निर्देशन किया था राजकुमार हिरानी ने। मुख्य कलाकार थे संजय दत्त। संजय दत्त हमेशा से क्लासिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और इस बार इनका कोलैबोरेशन हो गया राजू हिरानी के साथ और बन गई कल्ट क्लासिक मुन्ना भाई MBBS। इंडियन हेल्थ सिस्टम को तमाचा मारती हुई यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। इसमें मूवी के मेन कैरेक्टर मुन्ना के जरिए बहुत ही कॉमिक अंदाज में यह बताने की कोशिश की गई थी कि कैसे इंडियन हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है और कैसे इसे सुधारा जा सकता है। संजय दत्त ने किया जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय और हाथ में आया बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। सपोर्टिंग एक्टर के रूप में अरशद वारसी द्वारा निभाया गया सर्किट का कैरेक्टर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह मूवी अगर ऑस्कर तक जाती तो अपने दमदार कॉम सेट की वजह से जरूर ऑस्कर को जीत सकती थी। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है सन 2001 की कल्ट क्लासिक सुपरहिट मूवी लगान का। मूवी में दौर दिखाया गया है ब्रिटिश शासन का, जिसमें एक साधारण किसान भुवन अपने गांव को टैक्स से बचाने के लिए अंग्रेजों को उन्हीं के खेल क्रिकेट में हराने की चुनौती दे डालता है। फिल्म के निर्देशक थे आशुतोष गोवारीकर और मुख्य भूमिका में थे मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान। भुवन के किरदार को जिस शिद्दत के साथ आमिर खान ने जिया है, शायद ही कोई दूसरा एक्टर उस किरदार के साथ इतना न्याय कर पाता। और फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया क्रिकेट मैच तो इंडिया पाकिस्तान के रियल मैच से भी ज्यादा रोमांचित करने वाला था। आखिरकार भुवन की जीत होती है और वह अपने गांव को अगले 3 सालों के लिए कर से मुक्त करा देता है। आमिर खान अगर इस मूवी को ऑस्कर तक ले जाते तो यकीनन यह स्पोर्ट ड्रामा मूवी ऑस्कर की प्रबल दावेदार होती। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है आमिर खान की ही एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थ्री इडियट का। 2009 में रिलीज हुई इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी। मिस्टर परफेक्टनिस्ट के लाजवाब अभिनय और राजकुमार हिरानी के बेहतरीन डायरेक्शन ने एक बार फिर से पब्लिक को अपना दीवाना बना लिया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तमाचा मारती हुई यह मूवी दर्शकों के दिलों में उतर गई। आमिर खान द्वारा निभाया गया रेंचो का कैरेक्टर अगले 100 सालों तक भी सिनेमा जगत में याद रखा जाएगा। एजुकेशन सिस्टम पर बनी ऐसी महान फिल्म को भला ऑस्कर मिलने से कौन रोक पाता। हमारी लिस्ट में अगली फिल्म आती है अगेन एंड अगेन, एक बार फिर से आमिर खान और राजू हिरानी की ही महानतम फिल्म PK। इस बार इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने धर्म और पाखंड पर खूब जोरदार वार किया। काफी विवादों से घिरने के बावजूद फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट हुई और आमिर खान ने एक बार फिर से अपने एलियन के किरदार को अमर कर दिया। दोस्तों, ऑस्कर लेवल सिनेमा की बात की जाए और उसमें साउथ इंडियन मूवीज का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ इंडस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट एक्टर सूर्या की मूवी जय भीम के बारे में। जय भीम सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को अंदर से झकझोर कर देगी। जातिवादी मानसिकता पर कड़ा प्रहार करती हुई यह मूवी आपके दिलों में उतर जाएगी। एडवोकेट चंद्रू के किरदार में सूर्या ने बेमिसाल अभिनय किया। किस तरह से वो झूठे आरोप में फंसे गरीब आदिवासियों की मदद करता है और न्याय के लिए संघर्ष करता है, काबिले तारीफ है। जिन लोगों को आज भी ये लगता है कि भारत में जातिवाद नहीं हुआ है, वो एक बार सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी को जरूर देखें। मूवी के कुछ दृश्य तो इतने ज्यादा इमोशनल और संवेदनशील है कि पत्थर दिल इंसान की आंखों से भी आसानी से आंसू टपक जाए। तो दोस्तों, यह कुछ मूवीज थी जो इंडिया के लिए ऑस्कर जीत सकती थी। खैर, इंडियन सिनेमा में आगे भी अच्छी अच्छी मूवीज आएगी जो यकीनन हमारा ऑस्कर का सपना पूरा करेगी और हो सकता है बहुत जल्दी ही हमारा यह सपना पूरा हो जाए, क्योंकि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान स्टारर मूवी डंकी बहुत जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली है। राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके डायरेक्शन पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता और शाहरुख खान एक ऐसे स्टार जिनका परफॉर्मेंस हर बार नेक्स्ट लेवल होता है। तो वेट करते हैं डंकी की रिलीज डेट का और देखते हैं कि बॉलीवुड का समय आगे कैसा है। टेक केयर दोस्तों, वीडियो में हमारी सोच कहीं पर भी मैच हुई हो तो एक लाइक करके चौहान मूवीज पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।